इंडिया में अगर गाड़ियों को बेचना किसी को आया है तो वो है मारुति सुजुकी, क्योंकि हैचबैक के नाम पर मारुति सुजुकी अल्टो को बेच रही है, वैगनार को बेच रही है, सेलेरियो भी है हैचबैक सेगमेंट की, इसके अलावा स्विफ्ट भी आती है और नेक्सा के थ्रू मारुति सुजुकी बलेनो को बेच रही है। तो हैचबैक सेगमेंट के अंदर मारुति सुजुकी की बहुत सारी कारें इंडिया में बिक रही है। और इस ऑटो एक्सपो में मारुति सुजुकी ने एक न्यू एसवी कार को भी अनवील कर दिया है जो की है फ्रॉन्क्स। आपको बताना चाहूंगा मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स बलेनो का एसवी वर्जन होने वाला है। जिन लोगों को बलेनो के अंदर एसयूवी के मजे लेने हैं उन लोगों के लिए मारुति सुजुकी ने फ्रॉन्क्स इस एसयूवी कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि इस कार को किस सेगमेंट के अंदर उतारा जाएगा, क्योंकि आज के डेट में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के अंदर ब्रेजा बिक रही है, उसके ऊपर ग्रैंड विटारा आती है। और यहाँ पर इस कार के जो डायमेंशन है यानी फ्रॉन्क्स के जो डायमेंशन है वो 4 मीटर से कम है, तो डेफिनेटली ये कार कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के अंदर आने वाली है। खैर, इस वीडियो के अंदर मैं फ्रॉन्क्स को कंपेयर करने वाला हूँ ब्रेजा के साथ। शायद दोनों ही कारों को मारुति सुजुकी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के अंदर रखने वाली है। इस वीडियो के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको आने वाले समय में ब्रेजा को कंसीडर करना चाहिए या फिर न्यूली लॉन्च फ्रॉन्क्स के साथ जाना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पर ब्रेजा इस कार को कड़ी टक्कर दे देती है, लेकिन कुछ फैक्टर्स पर इस कार का दबदबा कायम रहता है। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं ब्रेजा या फिर फ्रॉन्क्स, इन दोनों में से आपको कौन सी कार चूज करनी चाहिए। यहाँ पर हम सबसे पहले डायमेंशन से स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रॉन्क्स इस कार की लेंथ रखी गई है 3995 मिलीमीटर की, जो कि ब्रेजा के बराबर है, यानी ब्रेजा की भी लेंथ आपको लगभग सेम देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा फ्रॉन्क्स की विड्थ है 1765 मिलीमीटर की, लेकिन ब्रेजा की विड्थ है 1790 मिलीमीटर की। यहाँ पर आपको ब्रेजा की विड्थ 25 mm ज्यादा देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू फ्रॉन्क्स, लेकिन फ्रॉन्क्स की हाइट है 1550 मिलीमीटर की, वही ब्रेजा की हाइट 1685 mm की आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर ब्रेजा की हाइट लगभग 135 mm ज्यादा है एज कम्पेयर टू मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। तो यहाँ पर आपको लेंथ इन दोनों ही कारों की लगभग सेम देखने को मिल जाएगी, लेकिन वेट के मामले में और हाइट के मामले में ब्रेजा बाजी मार लेती है। इसके अलावा फ्रॉन्क्स के अंदर 2520 mm का व्हील बेस ऑफर किया है और ब्रेजा के अंदर आपको 2500 mm का व्हील बेस मिल जाएगा, यानी फ्रॉन्क्स के अंदर 20 mm व्हील बेस ज्यादा रखा गया है। इसके अलावा अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो फ्रॉन्क्स के अंदर आपको 308 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, वही ब्रेजा के अंदर 328 लीटर का बूट स्पेस दिया जाता है। तो यहाँ पर डायमेंशंस के मामले में ब्रेजा काफी ज्यादा आगे निकल जाती है। ब्रेजा की हाइट ज्यादा है, विड्थ ज्यादा है और इसके अंदर आपको बूट स्पेस भी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। और जब आप इन दोनों ही कारों को रोड पर देखोगे तो इन दोनों में से ब्रेजा सबसे बड़ी दिखेगी, क्योंकि ब्रेजा की हाइट काफी ज्यादा है और इसकी विड्थ भी आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। उसी वजह से ब्रेजा आपको थोड़ी सी बड़ी देखने को मिल जाएगी और ये सबसे बड़ा डिफरेंस आपको एक्सटीरियर में देखने को मिलने वाला है। अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो फ्रॉन्क्स के अंदर आपको 2 पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ब्रेजा फेसली मॉडल के अंदर सिर्फ 1 पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया जाता है। ब्रेजा के अंदर आपको मिलेगा 1.5 लीटर 4 सिलेंडर K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और इस इंजन की मदद से ब्रेजा का फेसली मॉडल लगभग 103 पीएस की पावर आउटपुट और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। लेकिन फ्रॉन्क्स के अंदर एक नया पेट्रोल इंजन ऑफर किया है मारुति सुजुकी ने, जो कि है 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन और इस इंजन के साथ ये कार लगभग 100 पीएस की पावर आउटपुट और 148 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेती है। और इस इंजन के साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स को ऑप्शन मिलेगा। और ये इंजन वाला मॉडल आपको परचेस करना है तो आपको लेना पड़ेगा डेल्टा प्लस मॉडल या फिर आपको लेना पड़ेगा जेटा या फिर टॉप वेरिएंट। बेस मॉडल और सेकंड बेस मॉडल के अंदर आपको 1.0 लीटर टर्बो बूस्टर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि बेस मॉडल के अंदर मारुति सुजुकी ने 1.2 लीटर ड्यूल जेट ड्यूल वीवीटी पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर आपको 90 पीएस की पावर आउटपुट और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इस इंजन के साथ आपको मिलेगा 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन, इसके अलावा 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो इन दो इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ फ्रॉन्क्स इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। इस कार के अंदर आपको दो इंजन ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन ब्रेजा के फेसली मॉडल के अंदर आपको सिर्फ एक पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलने वाला है। हालांकि पावर आउटपुट आपको लगभग सेम देखने को मिल जाएगी। अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो दोनों ही कारों के अंदर बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स आपको
कॉमन ही देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का फीचर मिलेगा दोनों ही कारों के अंदर। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन दोनों ही कारों के अंदर ऑफर किया है। हील होल्ड असिस्ट ये फीचर आपको मिलेगा। हील डिसेंट कंट्रोल का फीचर भी आपको दोनों ही कारों के अंदर देखने को मिल जाएगा। 6 एयरबैग्स आपको मिलेंगे, हालांकि बेस वेरियंट के अंदर आपको 2 एयरबैग्स मिलेंगे, लेकिन ऊपर वाले वेरियंट के साथ अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको 6 एयरबैग्स का ऑप्शन मिलने वाला है। इसके अलावा आपको दोनों ही कारों के अंदर हेडसअप डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा। ऑटो आयर विम का फीचर भी ऑफर किया जाएगा टॉप वेरिएंट के अंदर, और बाकी के सेफ्टी फीचर्स को फ्रॉन्क्स और ब्रेजा के फेसली मॉडल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। सेफ्टी में बहुत सारे फीचर्स कॉमन रखे गए हैं। अगर मैं इंटीरियर फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पर इंटीरियर में भी आपको काफी ज्यादा फीचर्स कॉमन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इंटीरियर का जो थीम है, जो कलर कॉम्बिनेशन है, वो आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाएगा। डैशबोर्ड थोड़ा सा अलग रखा गया है फ्रॉन्क्स का। इसके अलावा ब्रेजा फेसली मॉडल का आपको दोनों ही चीजें थोड़ी सी अलग अलग देखने को मिल जाएंगी, लेकिन दोनों ही कारों के अंदर आपको सिंगल टोन और ड्यूअल टोन कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा दोनों ही कारों के अंदर आपको कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिलेगा। ये फीचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर ब्रेजा के अंदर आपको इस टेक्नोलॉजी के तहत थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा दोनों ही कारों के अंदर फैब्रिक सीट का यूज किया गया है बेस वेरिएंट के अंदर। अगर आप टॉप वेरिएंट के साथ जाओगे तो वहां पर आपको लेदर के सीट्स मिलेंगे। दोनों ही कारों के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल का फीचर मिलेगा। मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन ऑफर किया है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर आपको मिलेगा। हालांकि बेस मॉडल से ही आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर मिलेगा दोनों ही कारों के अंदर। इसके अलावा वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। पैडल शिफ्टर्स आपको मिलेंगे ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ। इसके अलावा कीलेस एंट्री, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का ऑप्शन आपको मिलेगा। और दोनों ही कारों के बेस मॉडल से ही आपको हेडरेस्ट का ऑप्शन मिलने वाला है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है दोनों ही कारों की। इसके अलावा आपको पावर विंडो का ऑप्शन मिलेगा। फास्ट USB चार्जिंग पोर्ट्स ऑफर किए जाएंगे, जिसके तहत आप स्मार्टफोन को चार्ज कर सकोगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गाने सुनने के लिए आपको दोनों ही कारों के अंदर अर्केमिस के साउंड सिस्टम मिल जाएंगे, जिसकी क्वालिटी अच्छी खासी है। और दोनों ही कारों के अंदर आपको 7 इंच और 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। हालांकि मारुति सुजुकी ने डेल्टा मॉडल और डेल्टा प्लस मॉडल के अंदर 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया है। अगर आप जेटा या फिर अल्फा मॉडल के साथ जाते हो तो वहां पर आपको 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। इसके अलावा दोनों ही कारों के अंदर आपको हेडसअप डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट दिया हुआ है, और ढेर सारे फीचर्स आपको दोनों ही कारों के अंदर कॉमन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर इंटीरियर में एक डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, वो है सीटिंग के अंदर और कंफर्ट के अंदर। लेग रूम, हेड रूम और स्पेस आपको ब्रेजा के अंदर थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू फ्रॉन्क्स, क्योंकि उसके डायमेंशन थोड़े से बड़े है, उसकी हाइट ज्यादा है, उसकी वेट ज्यादा है। उसी वजह से ब्रेजा के अंदर आपको अच्छा खासा कम्फर्ट मिलेगा इंटीरियर में, और वो चीज आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है फ्रॉन्क्स के अंदर। तो यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस आपको इंटीरियर में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो फीचर्स है वो आपको दोनों ही कारों के अंदर लगभग कॉमन मिलने वाले हैं। एक्सटर्नल लुक की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही कारों का लुक काफी ज्यादा बेहतरीन है, और अलग अलग लुक आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर ब्रेजा का लुक काफी ज्यादा खतरनाक है। ब्रेजा फ्रंट से और रियर से दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ब्रेजा रेंज रोवर जैसी लगती है, यानी ब्रेजा के अंदर लोगों को मिनी रेंज रोवर दिख जाती है। खैर, इसके बारे में आपके क्या विचार है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। लेकिन ब्रेजा का मुझे पर्सनली रेड कलर वाला मॉडल और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन वाला मॉडल काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसका रोड प्रेजेंस भी काफी जबरदस्त लगता है। इसके अंदर आपको काफी अट्रैक्टिव लाइटिंग सेटअप का ऑप्शन मिलेगा। जो LED DRL का सेटअप दिया हुआ है वो काफी ज्यादा कूल लगता है, और रियर में आपको काफी अट्रैक्टिव LED टेललाइट का सेटअप मिल जाएगा। अगर मैं फ्रॉन्क्स की बात करूं तो ये कार फ्रंट से दिखने में काफी ज्यादा ग्रैंड विटारा जैसी लगती है। इसके फ्रंट में आपको ग्रैंड विटारा जैसे ही ग्रिल्स का सेटअप मिलेगा। लाइटिंग सेटअप थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप मिल जाएगा। बेस वेरिएंट के अंदर आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप मिलेगा, और कल ही मैंने इसके बेस मॉडल के ऊपर वीडियो बनाया था। उस वीडियो के अंदर मैंने सभी चीजों को कवर किया था, यानी बेस मॉडल के अंदर कौन कौन से फीचर्स ऑफर करे हैं वो सभी चीजें मैंने उस वीडियो के अंदर कवर करी थी। लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो वीडियो भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर जिन लोगों को ग्रैंड विटारा लेनी है लेकिन बजट कम है, तो वो लोग डेफिनेटली फ्रॉन्क्स के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इसका फ्रंट का लुक काफी ज्यादा ग्रैंड विटारा से इंस्पायर्ड है, और इसका रियर का फीचर भी दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ पर आपको काफी बेहतरीन तरीके से LED टेल लाइट का सेटअप मिल जाएगा, और इसका LED टेल लाइट रात में दिखने में काफी बेहतरीन लगने वाला है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा लुक दोनों ही कारों का आपके सामने है। मुझे पर्सनली ब्रेजा का एक्स्ट्रा लुक काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इन दोनों में से किस कार का एक्स्ट्रा लुक आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। कीमत की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेजा की कीमत स्टार्ट होती है 8 लाख रुपीज से। बेस मॉडल की ये एक शोरूम प्राइस है, और ब्रेजा का टॉप मॉडल 13
16,96,000 रुपीस तक चला जाता है। ये भी एक शोरूम प्राइस मैंने आपको बताई है। तो फ्रॉन्क्स की जो पोजीशन है वो ब्रेजा के नीचे रह सकती है, क्योंकि इसके डायमेंशन आपको थोड़े से छोटे देखने को मिल जाएंगे और कुछ फीचर्स ऐसे भी है जो आपको इस कार के अंदर थोड़े से कम देखने को मिलने वाले है। तो इस कार की कीमत 6 या फिर 7 लाख रुपए से शुरू हो सकती है या फिर 7.5 लाख रुपए से भी इस कार की कीमत स्टार्ट हो सकती है। हालांकि इसके बेस मॉडल के अंदर आपको उतने फीचर्स नहीं मिलेंगे जितने कि ब्रेजा के बेस मॉडल के अंदर ऑफर किए जाते हैं, तो इससे ये लगता है कि इस कार की कीमत ब्रेजा से काफी कम रहने वाली है। शायद 7 या फिर 7.5 लाख रुपए से इस कार का बेस मॉडल शुरू हो सकता है। आपके हिसाब से फ्रॉन्क्स इस कार की कीमत कितनी होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो ये छोटा सा कंपैरिजन वीडियो था, अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।